ग्लूटमीन नाम तो आपने सुना ही होगा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट रिप्यूटेड सप्लीमेंट इन द फिटनेस इंडस्ट्री मतलब ट्रेनर्स आपके सप्लीमेंट्स स्टैक के साथ ग्लूटामीन ऐसे रिकमेंड करते हैं जैसे खाने के साथ हाजमोला सप्लीमेंट कंपनीज़ दावा करती है कि ग्लूटाम आपकी रिकवरी इंप्रूव करेगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस इंप्रूव करेगा आपका ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट भी इंप्रूव करेगा कितनी सच्चाई है इन बातों में क्या ग्लूटाम लेने से आपको कुछ भी फ़ायदा होगा असल में या फिर ये भी यूजलेस है वेस्ट ऑफ मनी इक बीसीटिफिक ब्रेकडाउन करेंगे ग्लूटमीन का और जानेंगे कि क्या ये वर्थ योर मनी है या नहीं ग्लूटमीन की सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए वीडियो गाइज एंड तक गाइज सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लूटामीन है क्या ग्लूटामिन एक अमीनो एसिड है और ये मोस्ट अबंडेंट फ्री अमीनो एसिड होता है ह्यूमन बॉडी में करीब 60 परसेंट ऑफ द टोटल ग्लूटामीन इन योर बॉडी इज स्टोर्ड इन योर मसल टिश्यूज ग्लूटमीन का वन ऑफ द मेजर फंक्शंस है कि ये वाइटल फ्यूल सोर्स होता है आपके इम्यून सिस्टम और आपकी इंटेस्टाइंस का ठीक इन नॉर्मल हेल्थ कंडीशन ग्लूटाम एक नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड होता है हमारी बॉडी के लिए यानी कि हमारी बॉडी इंटरनली खुद का ग्लुटाम मैन्युफैक्चर कर सकती है और करती है अपनी नीड्स पूरी करने के लिए बाहर डाइट से आपको ग्लूटामिन कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती नॉन एजेंशियल हम बात कर चुके हैं कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल और उसमें से केवल 9 होते हैं एजेंशियल अमीनो एसिड्स बचे हुए 11 होते हैं नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड्स और ग्लूटामिन एक नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड है तो ये तो बात हो गई नॉर्मल हेल्थ कंडीशंस की एक्चुअल में ग्लूटामिन को कहा जाता है कंडीशनली एजेंशियल अमीनो एसिड यानी कि नॉर्मल हेल्थ कंडीशंस में ये नॉन एसेंशियल है बट कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती है जहाँ पे ये एक एजेंशियल अमीनो एसिड बन जाए ऐसा कब होगा किन केसेस में होगा ऐसा तब होगा जब आपकी बॉडी की ग्लूटामिन डिमांड्स बढ़ जाएं और आपकी बॉडी इंटरनली उतना इनफ़ ग्लूटामिन प्रोड्यूस ना कर पाएँ ऐसा गैस होता है जब आप क्लिनिकली स्ट्रेस्ड हों जैसे कि मेजर एक्सट्रीम एक्सीडेंट्स में ट्रामा में बर्नड केसेज में या फिर आप किसी मेजर डिजीज से अगर बैटल कर रहे हो जैसे कि कैंसर या फिर एच आई वी एड्स क्योंकि इन क्लिनिकल स्ट्रेस के केसेस में आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेस के अगेंस्ट लड़ रहा होता है और आपका वाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन बढ़ जाता है वाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ग्लूटामी नीड्स बढ़ जाती है अभी हमने समझा कि ग्लूटामिन इज द मेजर फ्यूल सोर्स फॉर योर इम्यून सिस्टम और चूंकि 60% ऑफ योर टोटल ग्लूटमिन इज स्टोर्ड इन योर मसल टिश्यूज क्लिनिकल स्ट्रेस में सबसे पहले आपकी बॉडी मसल ब्रेकडाउन शुरू करती है उस ग्लूटामीन को यूज़ करने के लिए ताकि ये अपनी इंक्रीज डिमांड्स को मीट कर पाए और ऐसे में अगर आप एक्जोजनस ग्लूटमिन यानी कि बाहर से ग्लूटामीन सप्लीमेंट करते हैं डाइट के जरिए तो वो डेफिनेटली आपकी रिकवरी इंप्रूव कर सकता है प्रोटीन ब्रेकडाउन मसल ब्रेकडाउन रिड्यूस कर सकता है और ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस को भी इंप्रूव कर सकता है पर ये तो बात हो गई क्लिनिकल स्ट्रेस वाले केसेस की नॉर्मल कंडीशन में अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं जिम जा रहे हैं जिम जा रहे हैं तो क्लिनिकल स्ट्रेस में तो नहीं होंगे ना इन केसेस में आपकी बॉडी में ऑलरेडी इनफ ग्लूटामिन होता है मसल टिश्यूज़ फुल होते हैं ग्लूटामिन से आपके ब्लड में भी इनफ सर्कुलेट कर रहा होता है और इन केसेस में ग्लूटामिन सप्लीमेंट करना आपके लिए यूजलेस होगा क्योंकि एक तो बॉडी खुद से अपना ग्लूटामिन मैन्युफैक्चर करती है इंटरनली और साथ के साथ आपकी डाइट में भी मोर देन इनफ ग्लूटामिन होता है अगर आप अपनी प्रोटीन नीड्स मीट कर रहे हो तो इनफैक्ट टेन परसेंट ऑफ योर टोटल प्रोटीन इनटेक इज ग्लूटामिन ओनली प्रोटीन क्या है चेन ऑफ अमीनो एसिड्स और ग्लूटामिन उसमें से एक अमीनो एसिड होता है यानी अगर आप डेली बेसिस पे 100 टू 150 फिफ्टी ग्राम्स प्रोटीन खा रहे हैं जो कि ज़्यादातर लोग खा रहे होते हैं वो आर मीटिंग देयर प्रोटीन नीड्स तो आपकी डाइट में ऑलरेडी 10 टू 15 ग्राम्स ग्लूटामिन है और वैसे भी ग्लूटामिन नॉन एसेंशियल है इन नॉर्मल केसेस ध्यान दीजिएगा के गैज मैं ये नहीं कह रहा कि ग्लूटामिन यूजलेस है मैं कह रहा हूँ नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिन सप्लीमेंटेशन यूजलेस है दोनों बातों में अंतर है ग्लूटामिन तो बहुत यूज़फुल है ग्लूटामिन तो मेजर फ्यूल सोर्स से आपके इम्यून सिस्टम और आपके इंटेस्टाइंस का ग्लूटामिन की कमी हो गई तो फट जाएगी पर ग्लूटामिन की कमी सिर्फ क्लिनिकल स्ट्रेस के केसेस में होती है क्लिनिकल स्ट्रेस और एक्सरसाइज इंड्यूस स्ट्रेस इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है जिम में जाके बेंच प्रेस डेडलिफ्ट बाइसेप्स लगाने से आपकी बॉडी दूर दूर तक उतने स्ट्रेस में नहीं जाती कि आपको ग्लूटामिन सप्लीमेंट करना पड़े तो ये बात क्लियर हो गई अब हो सकता है आपको सप्लीमेंट कंपनीज का ये कि हाँ सर आप ठीक कह रहे हो ये रिकवरी और प्रोटीन सिंथेसिस तो केवल क्लिनिकल स्ट्रेस में इंप्रूव करता है वो सब आप छोड़ो पर ये आपका ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट भी इंप्रूव करता है मतलब आपकी मसल्स का ग्लाइकोजन अपटेक इम्प्रूव करता है स्पीड बढ़ा देता है उसकी तो गैस ये भी बेवूब बनाने वाली बात है अच्छे से अच्छे हार्ड ट्रेनिंग सेशन के बाद भी ग्लाइकोजन ज़्यादा से ज़्यादा थर्टी परसेंट ही डिप्लीट होता है ये रिसर्च स्टडीज़ दिखा चुकी हैं और वो भी आराम से रिप्लेनिश हो जाता है अगले चौबीस घंटे में अगर आपकी डाइट में इनफ काब्ज हो तो रोटी चावल फ्रूट्स यही काफ़ी है हाँ माना कि ग्लूटाम लेने से आपका ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट तेज़ होगा फास्ट हो जाएगी स्पीड तो मैं क्या करूँ नाचूँ मेरे को तो अगले दिन ट्रेन करना है ना तब तक तो मेरा ग्लाइकोजन वैसे भी आराम से रिप्लेनिश हो जाएगा नहीं सर आप नाचो मत बस हमारा ग्लूटामिन ले लो फिर हम नाचेंगे प्लीज़ सर सो माय रिकमेंडेशन इज़ कि अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं विच आई एम अज्यूमिंग कि आप हैं क्लिनिकल स्ट्रेस में नहीं हैं तभी ये सब बातें आप सोच रहे हैं जिम जाने के बारे में और फिटनेस इंप्रूव करने के बारे में तो ग्लूटामिन सप्लीमेंटेशन आपके लिए यूजलेस है अपना प्रोटीन इंटेक पे ध्यान लगाइए और मस्त रहिए इनफैक्ट देर आर लॉड ऑफ स्टडीज एज वेल जहां दिखाया गया है कि हेल्दी एथलीट्स में ग्लूटामिन सप्लीमेंटेशन रिकवरी और प्रोटीन सिंथेसिस इंप्रूव नहीं करता है ग्लूटामिन सप्लीमेंट करने से कोई नुकसान नहीं है कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि है तो ये एक अमीनो एसिड है ना प्रोटीन का एक अंग बट कैलरीज होंगी इसमें तो अगर आप एक कैलरी बजट में हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो कैलोरीज आप होल फूड्स पे स्पेंड करें आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा आपकी सेट आई टी भी बेटर रहेगी वही बी वाली बात है पर कुछ केसेस में एल ग्लूटामिन सप्लीमेंटेशन यूजफुल रहेगा कुछ गिने चुने केसेस में जैसे कि पहला तो हमने बात कर ली क्लिनिकल स्ट्रेस अगर आप क्लिनिकल स्ट्रेस में हैं तो ग्लूटामिन सप्लीमेंटेशन आपके लिए यूजफुल है यू कॉन्ट गो रॉन्ग विद इट आपकी रिकवरी इंप्रूव करेगा मसल ब्रेकडाउन रिड्यूस करेगा अदरवाइज आपकी बॉडी मसल से निकालेगी सारे ग्लुटमिन दूसरा केस अगर आपको गट हेल्थ इश्यूज़ हैं उस केस में आप डेफिनेटली ग्लूटामीन सप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने बात की ग्लूटामीन इज द मेजर फ्यूल सोर्स फॉर इंटेस्टाइन सेल्स एज वेल गारंटी नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं बट यू कैन ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट मेरे जिन क्लाइंट्स को कट इश्यूज होते हैं उनको मैं कहता हूं एक्सपेरिमेंट करने को कई बार इट हेल्प्स देम और कई बार इट डजेंट सो यू हैव टू चेक इट आउट फॉर योर और नंबर थ्री अगर आप बॉडी बिल्डिंग शो में कॉम्पीट कर रहे हैं बिलो सेवन परसेंट सिक्स परसेंट अल्ट्रा लो बॉडी फैट पे जा रहे हैं तो ऐसे में आप अपनी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे होते हैं ट्रेनिंग भी आप हार्ड कर रहे होते हैं और इन केसेस में यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ ग्लूटामिन सप्लीमेंटेशन आप चाहेंगे कि कुछ भी वन भी बेनिफिट कहीं से मिल रहा है तो आप ले लें सो so, इस केस में भी यू कैन डेफिनेटली सप्लीमेंट ग्लूटामी एंड मोस्ट कॉम्पीटिंग एथलीट्स दे विल सप्लीमेंट गलूटामीन विच मेक सेंस चौथा केस अगर आप एक इंड्योरेंस बेस्ड एथलीट हैं जो दिन में मल्टीपल टाइम्स हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है तो इस केस में वो क्विकली ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट वाली जो बात थी वो आपके काम आ सकती है अगले वर्कआउट से पहले ही आपका ग्लाइकोजन रिप्लेनिश हो जाएगा तो इंड्योरेंस एथलीट्स भी ग्लूटामीन सप्लीमेंट करते हैं विच मेक्स सेंस यू कॉन्ट गो रॉन्ग विद इट इन केसेज में डेली 10 से 20 ग्राम ग्लूटामिन आप सप्लीमेंट कर सकते हैं बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो मेजॉरिटी ऑफ लोग मेरा चैनल देखते हैं जो लोग जिम जाते हैं अच्छी शेप में रहने के लिए मसल मास बिल्ड करने के लिए फैट लॉस करने के लिए उनके लिए ग्लूटामिन सप्लीमेंटेशन यूजलेस है मतलब ज़्यादातर लोग जो ग्लूटामिन ख़रीदते हैं उन लोगों को ग्लूटामिन की ज़रूरत नहीं है बंदे ने जिम ज्वाइन किया नहीं न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग के बेसिक सीखे नहीं ग्लूटामिन पहले ख़रीद लिया प्रोटीन इंटेक अपना मीट नहीं कर रहा है पर ग्लूटामिन सप्लीमेंट कर रहा है इन बातों का कोई सेंस नहीं बनता दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गायस आई होप दैट हेल्प्स और आपको ग्लूटामीन के बारे में क्लैरिटी मिली होगी कॉमेंट्स बताएगा क्या आप गलूटामीन यूज़ करते हैं और आगे सप्लीमेंट सीरीज़ में कौन से सप्लीमेंट्स आप चाहते हैं कि हम कवर करें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो कनेक्ट कर लीजिए वहाँ भी मैं कंटेंट डालता रहता हूँ एंड इफ यू वांट टू वर्क वन ऑन वन डायरेक्टली विद मी फॉर योर ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन मेंटरशिप देन यू कैन चेक आउट माय ऑनलाइन कोचिंग डिटेल्स एट हाइपर्रॉफ डॉट वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक मुझे ज़रूर देते जाइएगा मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में सप्लीमेंट सीरीज़ के तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर नमस्कार जय हिंद